मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं हूँ भवाली के क्षेत्र में और अभी बज रहे सुबह के 6 और आज हम यहाँ से पानी वानी भर रहे हैं। सुबह हल्द्वानी जा रहे हैं यहाँ से, फिर उसी पानी को हम दिन भर पीते हैं। और यहाँ पे एक गाड़ी ख़राब हुई है, भाई साहब बता रहे कि इसमें क्लच प्लेट की दिक्कत आ रही है। भाई जी क्या हो गया, यहीं पर आगे ख़राब हुई फिर बैग में लाया गया। फोन लग रहा है, आवाज बात ही नहीं हो रही, आवाज ही नहीं आ रही। नीचे से कर देना यार, अभी बता देना ऐसे। कौन सी आयसर गाड़ी है ये? आ गया फोन, आ गया, तुम्हारा फोन आ गया। हेलो, अलग काम नहीं कर रहा इसका। हेलो, क्लच में कुछ दिक्कत आई क्या? एक बिहार की साइड जाओ ना, वो ऊपर नीचे करवाया ना। इसका मतलब क्लच प्लेट फूक गई तुम्हारी पूरी? हाँ, उसे पहले तो पता चल जाता है फूकने वाले करके। हाँ, चलो हम नीचे जाके बात कर देंगे तुम्हारी, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके। ये कौन सी वाली गाड़ी? श्री हरी ट्रांसपोर्ट, अरे ट्रांसपोर्ट मालिक साहब होंगे ना तुम्हारे? 3282 नंबर है ना गाड़ी का, ठीक है हम बता देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना सिग्नल की बहुत दिक्कत है, थोड़ा बहुत सिग्नल तो आ रहा है लेकिन आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है। तो इसलिए हमने उसी गाड़ी वाले से बात कर दी कि नीचे जाके तुम्हारे मालिक से बात करा देंगे। तो नीचे जाके बात कर देंगे हम उसके, और यहाँ से मिस्त्री भिजवा दो, अपना आप करेंगे जो कर लेंगे वो। तो फ्रेंड, यहाँ पे सिग्नल तो आ चुका है, देखते हैं बात हो पाती नहीं हो पाती है। अभी भी सिग्नल आ रहा है लेकिन बात नहीं हो पा रही है, ऑटोमेटिक फोन कट जा रहा है, फिर टावर गायब हो गया। अभी थोड़ी देर में कोशिश कर रहे हैं लगाने की, फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना हम लोग। फोन बिल्कुल नहीं लग रहा है, अभी टावर आ रहा है लेकिन बात नहीं हो पा रही है। अभी जा रही है घंटे, देखते हैं बात होती नहीं होती है। हेलो, हाँ मालिक साहब नमस्कार। वो ड्राइवर को क्लच प्लेट खराब हो रही कर रहा है आपकी, ये गेटिया से आगे जहाँ पर पानी नहीं है, वो पानी का धारा वहाँ पर खड़ा है, वहाँ सिग्नल भी नहीं आ रहे ना। हाँ, मैं तो आगे नीचे को गेटिया पहुँच गया, वहाँ सिग्नल नहीं आ रहा ना, बाद में उबा रहे थे। हाँ हाँ, जहाँ पर पानी का धारा वहीं पर है, वो मंदिर से आगे आगे। हाँ ठीक है, तो ठीक है, बता दिया उन्होंने गाड़ी आपकी ख़राब हो गई करके, बाकी वो देख लेंगे अपना जो करना होगा। तो इस समय हम गेटिया पहुंच चुके हैं फ्रेंड, इस समय हम पहुंच चुके हैं तल्ला गेटिया, जो भवानी से 10 किलोमीटर करीब आगे है। और अब आगे आ रहा है पायलट बाबा मंदिर, महायोगी पायलट बाबा आश्रम गेटिया नैनीताल। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है गाइस यहाँ पे, हम तो रात दिन दर्शन करते रहते हैं यहाँ। यहाँ पर बने गणेश जी की मूर्ति, बहुत अच्छी मूर्ति है। ये बाबा जी आगे बाहर, समय हम गेठिया से नीचे रुके हैं मंदिर के आगे आगे, और यहाँ पर हम मैगी आगे खाने के लिए रुके हैं और सुबह का नाश्ता करते हैं, फिर जाएंगे यहाँ से हल्द्वानी को।
देखिए पहिए भी चेक करते रहने पड़ते हैं, आवे पत्थर तो नहीं चुभा है, सही है। दो मैगी बना दो, अभी आ रहा क्या? हरी मिर्च डालना थोड़ा बहुत। तो खाते हैं अभी थोड़ी देर में मैगी। हम यहाँ पे प्यारे प्यारे फूल लगा रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बना रखा दिल। यहाँ पे बैठ के आप नाश्ता कर सकते हो, ये कुर्सी है लकड़ी की। तो गाइस आप यहाँ पे जो देख रहे हैं फूल देख रहे हैं ना, ये है मेहंदी का पेड़ जो हम लोग हाथों में लगाते हैं शादी में। सारे यहाँ मेहंदी के पेड़ लगा रखे हैं बहुत सारे, बाकी तो हाजरी के फूल हैं। तो फ्रेंड्स अभी कोई गाड़ी वाला मिल गया था साथ वाला, और उसकी गाड़ी में सेब बचे थे, वो दे गया हमको सेब। एक सेब मेरे को दिया, एक इसको दिया, खाते हैं सेब अब। बहुत टेस्टी है सेब भी, मीठा हो रहा बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स हम वहाँ से मैगी आगे खा के आ गए हैं, अब जाते हैं मंडी की तरफ। इस समय पहुँचे हम जोली फोर्ट, अभी यहाँ से 30-40 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर लगभग होगा यहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर। थोड़ा बड़ा गाड़ी का काम भी कराना है, फिर हम गाड़ी करेंगे लोड, देखते हैं क्या होता है दिन में। बने रहिए आप हमारे साथ ब्लॉग में। आ गए ट्रांसपोर्ट नगर में, यहाँ पर चल रहा हमारा वेल्डिंग का काम, यहाँ पर बन रहा टूल बक्सा। ताप कर रहा लग रहा है, यहाँ पर वेल्डिंग करने से पहले हमको निकालना होंगे तार, पहले निकाल दिया। पहले नीचे का निकाल, कुछ जल्द से नहीं आएगा तो पूरा करना उसको। ये यहाँ पर बैठ गया, कटआउट बंद कर दिया हमने। यहाँ पर हमारा टूल बक्सा तैयार हो गया, अब जाएंगे हम मंडी की तरफ। छोटा मोटा गाड़ियों का काम कराने के बाद अब जा रहे हैं हम माल भरने। माल भरने से ना गाइस हमें उससे पहले हमें गाड़ी का काम कराना था छोटा मोटा, क्योंकि रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए पहले गाड़ी को मंजिल में देख लेना सही है, क्योंकि रास्ते में ख़राब हो जाएगा फिर वहाँ बहुत दिक्कतें आती हैं। तो छोटा मोटा सर्विस, छोटा मोटा काम यहीं पर देख लेना पड़ता है, गाड़ी में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो फिलहाल तो हमने चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। अब जाएंगे हम माल आल भरने, थोड़ा ईट भरने आज, उसके बाद जाएंगे हम बरेली रोड, फिर बाकी माल वहीं से भरेंगे हम। तो पहले हम खाना खाएंगे।
बहुत देर जाम में फंसे रहे क्योंकि यहाँ सिंगल रोड है, दोनों तरफ से ट्रैफिक आता है। जाम की बहुत समस्या है यहाँ इस रोड में, तीन पानी बाईपास में। अच्छा होता कि हम पीछे वाले मंडी के बाईपास आ रहे, वहाँ से इतना जाम नहीं लगा। अब किसे पता था कि आधे इतना जाम लग जाएगा। जब जाम होता है तो बहुत तगड़ा जाम लगता है, अभी कम से कम आधा एक घंटे का जाम लग गया था अभी फंस गया जाम में। तो फ्रेंड्स, होटल से हम यहाँ पे खाना आना लेके आए हैं। एक हाफ चावल लेके आए और यह पानी की बोतल जो हम पहाड़ से भर के लाए थे। पानी प्यासी यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, खाना तो कम ही खाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी में एंगल पत्ती लोहा लोड हो रहा है, जिसके आप खिड़की चौखट बनते हैं। यहाँ पूरा इसी चीज़ का गोदाम है। ऊपर से लाइट जाइट जल गई, अभी शाम के टाइम हो गई, अभी तो साफ नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें गाड़ी भरते भरते रात हो गई है और शाम के करीबन 7 बज चुके हैं। तो अब हम निकलते हैं पहाड़ की तरफ। तो मिलते हैं कल अपने नए वीडियो में, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।